दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तमाम कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद बेटे के पोस्टमार्टम के लिए लाचार पिता को 5 घंटे तक भटकना पड़ा। बताया जा रहा है कि ऊना जिले के बंगाणा निवासी कमलेश चंद के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इसके बाद बंगाणा पुलिस और परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाए, लेकिन यहां पर करीब 5 घंटे के बाद उन्हें टांडा भेज दिया गया। मृतक के परिजनों और पिता कमलेश चंद ने इसका विरोध जताया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर छुट्टी पर था तो उनका समय क्यों बर्बाद किया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान का कहना है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट का इस पोस्टमार्टम के लिए होना जरूरी था। हमीरपुर में तैनात फोरेंसिक एक्सपर्ट अवकाश पर था, जिस वजह से परिजनों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ऐसा हुआ जी कि दो ढाई महीने पहले हमारे लड़के की एक्सीडेंट हुआ और आज सुबह 5 बजे उसकी डेथ हो गई। और जब हमने बंगाणा पुलिस में कंप्लेंट की तो उन्होंने बोला कि इसका पोस्टमार्टम होगा, हमीरपुर में जाना पड़ेगा। तो 10 बजे तक उन्होंने कार्रवाई की घर में, उसके बाद 11 बजे हम पहुँचे हमीरपुर में। तो अभी 4 बजे हमें बोल रहे हैं कि आप टांडा में चले जाओ, वहाँ इसका पोस्टमार्टम होगा। तो हमें 4-5 घंटे पहले खड़ा यहाँ पे क्यों रखा कि अभी डॉक्टर छुट्टी में है, आप बता रहे हैं ठीक है जी। तो हमें इसका प्रावधान बताया जाए कि अगर इस हॉस्पिटल में कोई प्रावधान नहीं है तो हमें इस यहाँ क्यों बुलाया जाता है। यहाँ कागज पत्र तैयार थे, आधे घंटे में दे दिए थे तैयार करके। बाद फाइल देखी इन्होंने अंदर, ठीक है, उसके बाद बोला कि कर देंगे। अभी बाद में बोल रहे हैं कि टांडा में चला गया, यहाँ डॉक्टर छुट्टी पे है, ठीक है जी। जो डॉक्टर अंदर बैठा हुआ था और डॉक्टर को हमने पूछा कि उसका नाम बताओ जो छुट्टी पे गया हुआ, तो इन्होंने नाम तक नहीं बताया डॉक्टर ने, जो बैठे हुए थे यहाँ पे अपना नहीं बताया, ठीक है ना, अपना बताता है। तो हमें बताओ कि हमने किसको पूछना है, ठीक है जी। ये हुआ था जी 11 अक्टूबर शाम को 7:30 बजे, ठीक है जी। लठियाणी में बंगाणा में पड़ती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।